नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शेयर के बारे में जो रिलायंस से भी अधिक रिटर्न दे सकते हैं। उसके अंदर अभी तक इतनी जान है कि जो रिलायंस का टक्कर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का टक्कर दे सकती है और अच्छा रिटर्न आपको कमा के दे सकती है आने वाले 10 से 15 सालों में। चलिए चलते हैं, बात करते हैं डिटेल में वो कौन से शेयर है जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। पहला जो शेयर है हमारे पोर्टफोलियो में एचडीएफसी एएमसी है। एचडीएफसी एएमसी के बारे में आप जानते होंगे, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लिस्टेड है एनएससी और बीएससी के एक्सचेंज पे। ठीक है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कहीं हम इसका रिटर्न प्रोफाइल देखें तो 1 ईयर में जो हाईएस्ट था 3,469 था। ठीक है, अभी जो ट्रेड कर रहा है 2,359 रुपए में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसमें आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं आने वाले टाइम में। जिस तरह आपको पता है कि जो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 से 3% लोग, वो भी म्यूचुअल फंड में। आने वाले टाइम में आप इसको आपकी जनसंख्या के हिसाब से आने वाले 10 से 15 सालों में आपको अच्छा खासा इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है और आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। कैसे, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड में करेंगे तो अब वैसे वैसे एचडीएफसी एएमसी का रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है उनके जो कमीशन होता है सब चार्जेस होता है उससे इनका कमीशन जनरेट होता है। ठीक है, ये रही बात एचडीएफसी एएमसी। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है वो भी बहुत जबरदस्त है। शेयर होल्डिंग प्रमोटर की जो होल्डिंग है 73.95% है, म्यूचुअल फंड के पास 2.05% है और एफआईआई के पास 10.7% है, नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 12.14% है और अदर डीआईएस के पास 1.15% है। ठीक है, तो ये रही शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें कोई डेट नहीं है, कोई प्लेस प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, मतलब कहने का तो कोई शेयर गिरवी पे नहीं रखा हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी कंपनी, अपने आप में बहुत हीरा कंपनी, ये टक्कर दे सकती है। दूसरी कंपनी है हमारे पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का जो रिटर्न देखेंगे हाईएस्ट मतलब 52 वीक हाई जो है 250 सॉरी 549 रुपए, मतलब 550 के आसपास था, जो अभी ट्रेड कर रहा है 370 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक के बाद जो प्राइवेट बैंक में अच्छी कंपनी आती है, अच्छा बैंक आता है, नाम जो आता है आईसीआईसीआई बैंक आता है। ठीक है, इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है कम है, इसमें जो नॉन इंस्टीट्यूशन है 10.34% है, म्यूचुअल फंड के पास 27.46% है और एफआई के पास 44.91%, मतलब एफआई सबसे अधिक इस पे बुलिश है और इंटरेस्ट है इनका। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी के पास 14.1% है। आप अभी हम देखते हैं किसने किसने प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई ऐसे-ऐसे बैंक में, तो आप देखेंगे एफआई म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस और अदर डीआई ने लगातार इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो जो इसका जो लॉन्ग टर्म व्यूज होगा आने वाले 10 साल में 1200 से 1500 रुपये जा सकता है इजिली। अब रही सबसे लास्ट कंपनी जो है सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज मतलब सीडीएसएल, जो आप जानते होंगे जो सीडीएसएल का जो कारोबार है वो आपसे रिलेटेड है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट और कहीं शेयर मार्केट में है तो आपको सीडीएसएल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सीडीएसएल वो चीज है जो वो डिपॉजिटरी संस्था है जो आपके शेयर्स डिलीवरी में जाते हैं और वहां पे सेव होता है। ठीक है, वो एक्सचेंज जैसे आपने खरीदा शेयर 10 या 15 शेयर खरीद लिया तो वो कहीं डिलीवरी में जाता है 2 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, साल भर के लिए आप रखते हैं तो वो सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास सेफ पे रखा रहता है, मतलब डिपॉजिट में रखा रहता है और ना कि एक्सचेंज पे रहता है, वही ये मैनेज करता है। जितने भी आप एक्सचेंज बाय और सेल करते हैं पर शेयर कंपनी, उस पर इनको 15 रुपया फिक्स चार्जेस मिलते हैं, चाहे 100 शेयर हो चाहे 15 शेयर हो, उनकी हर एक ट्रांजेक्शन मतलब सेल पे। सपोज आपने जब 100 शेयर ले रखा, 100 शेयर आपने सेल कर दिया तो कहीं वो डिलीवरी में है
तो आपको मतलब इस कंपनी को 15 रुपए मिलेंगे। तो समझ सकते हैं इस पे इस कंपनी के पास खर्चा कुछ नहीं, कमाने के लिए बहुत कुछ है। जब तक शेयर मार्केट रहेगा तब तक सीडीएसएल रहेगा, और इस सीडीएसएल का सबसे बड़ा फीडबैक है वो है ये आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है, और इसका रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे ये 1 ईयर में 114.87% है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास 13.34%, प्रमोटर के पास 20%, अदर डीएस पास 19.9% है, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशन पास 35.85% है, ठीक। इसमें आप रखिए स्टेक बढ़ाइए डे टू डे, जैसे जैसे गिरता है पैसे वैसे इसमें स्टेक बढ़ाए, क्योंकि कहीं कंपनी ना भागेगी ना कुछ होने वाला, क्योंकि ये सीडीएसएल है, ठीक है, गवर्नमेंट की संस्था है। जब तक शेयर मार्केट रहेगा तब तक ये कंपनी रहेगी, ठीक है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, रिटायरमेंट प्लान बना के रख सकते हैं सीडीएसएल में आप। ये एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।